हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ एक और आंगनबाड़ी से लेकर विद्यालयों तक और अलग अलग स्थानों पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, वहीं अभी एक परिकल्पना रही केंद्र सरकार की कि प्रत्येक जिले में देश के एक एक ऐसा केंद्र खोला जाए जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 18 साल के अंदर उसकी जो शारीरिक कमियाँ हैं और जो डिजेबिलिटीज़ हैं वो अगर ठीक हो सकती है तो उनको ठीक किया जाए। तो DIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इसमें प्रयास ये रहेगा कि जब बच्चा पैदा होता है अगर कमज़ोर है या डॉक्टर को लगता है इसमें कोई कमी है तो पैदा होने के तत्काल बाद उसकी जाँच हो और जाँच होने के बाद अगर उसके शरीर में कोई कमी पाई जाती है तो उसे DIC भेजिए। DIC में चाहे सुनने की कमी हो, देखने में कमी हो, बच्चे का अगर दिमाग ग्रो नहीं किया है, बड़ा नहीं हुआ है, बढ़ नहीं रहा है या शरीर में कोई कमी रह जाती है उसकी रीढ़ की हड्डी में, पैरों में, हाथों में, अन्यथा, तो उसको वहाँ पर उपचार के लिए भेजा जाएगा। वहाँ उस बच्चे का जो है वो उसको एक बहुत ही अच्छे वातावरण में उसको ये काम उसका उपचार किया जाएगा। ये सिर्फ दवाई नहीं होंगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी तो शारीरिक से भी होगा। तो इसको जो लैटेक्स फैमिली प्लानिंग का जो इनका एक विंग है उसको दिया गया है ये काम और उन लोगों ने PP मॉडल पे कर रहे हैं। सारा खर्च तो NHM ने उठाया है लेकिन ये उसको चलाएंगे। आपने भी देखा कि देश में ये एक अनूठा केंद्र बना है उत्तर प्रदेश का जो कि विश्व स्तरीय है और इसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के लिए मॉडल बने। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नोएडा में इसको सेटअप किया गया है और छोटे बच्चों को एकदम बाल्यकाल में अगर उनको रोग से मुक्त किया जा सके तो बड़े होकर वो स्वस्थ राष्ट्र में परिवर्तित। मैम, DIC का इनोग्रेशन किया आपने, फिर अब चाइल्ड PG आया, बीच में नोएडा का इकलौता जिला अस्पताल है जो कि पड़ा, आप वहाँ गई भी नहीं, क्या लगता है आपको वहाँ सब कुछ ठीक है? देखिए आज ये आपका प्रश्न इस वक्त के लिए उपयुक्त नहीं था, फिर भी जिस प्रकार से सारे जिला अस्पतालों को हम लोग मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जब हमने बागडोर UP में संभाली थी 7000 डॉक्टरों की कमी थी, 15000 नर्सों की कमी है, टेक्निकल स्टाफ नहीं, जहाँ मशीन है वह टेक्नीशियन नहीं, जहाँ टेक्नीशियन था वह मशीन नहीं, सारे जिला अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के सभी मंत्री मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं वो आपके सामने छिपा हुआ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा निश्चित रूप से बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता है, हम लोग कर रहे हैं और हम तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक का निरीक्षण करते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं। आज मैं गाजियाबाद आ रही हूँ, स्वाभाविक है कि अस्पताल में सब ठीक ठाक होगा, हम तो औचक निरीक्षण करते हैं ताकि उस समय हम पकड़े जाएं। इस हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की कमी है, ICU नहीं है यहाँ पर, इतना बड़ी बिल्डिंग है। देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, स्वास्थ्य पर हमारा सबसे बड़ा ध्यान है और ये तो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। अभी मेरी डॉक्टर भट्ट से बात हो रही थी, अभी और बात हम करेंगे। यहाँ पर OPD शुरू हो चुका है, यहाँ पर भर्ती होना भी शुरू हो गया है, यहाँ ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की, DM की उपाधि तक यहाँ से मिल रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ जो कमियाँ हैं हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुपर स्पेशलिटी पर हम लोग देखिए अभी तो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात हो रही है, हमारे लिए जिला अस्पताल जिनके पास जगह है उनको हम अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज तक बनाने का के पर विचार कर रहे हैं। हम मोबाइल MMUs मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएगी, लोगों का ब्लड सैंपल लेना, उनकी बीमारी का वहीं का वहीं खोज करना, निकालना, उनको रेफर करना। आप जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएँ हैं पिछले 10-15 वर्षों की उसको सुधारने में 2-3 वर्ष तो अवश्य लगेगा।